वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा के निर्देश पर पुलिस की स्पेशल टीम ने शुक्रवार को भिलाई 3 थाना क्षेत्र के सिरसा कला खार में चल रहे करोड़ों रुपए के जुए की फड़ पर छापामार कार्रवाई कर 10 जुआरियों को पकड़कर लगभग 11 लाख रुपए जब्त किया, जबकि उस फड़ में करोड़ों का जुआ खेलने की जानकारी थी। इस कार्रवाई से जहां एएसपी की स्पेशल टीम की वाहवाही हो रही है, वहीं भिलाई 3 पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। एएसपी की टीम ने जुआरियों को पकड़ने के बाद भिलाई 3 पुलिस को बुलाकर आरोपियों को मैं रकम सौंपा। इससे स्पष्ट है कि इतना बड़ा जुआ खेले जाने की जानकारी भिलाई 3 टीआई को अवश्य रही होगी। बीती रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की टीम द्वारा भिलाई 3 के सिरसा खार में जुए के एक फंड में दबिश दी गई। इस दौरान लगभग 11 जुआड़ियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और इस कार्रवाई की सूचना भिलाई 3 पुलिस को नहीं दी गई। चूँकि भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों में लगातार बड़े पैमाने पर जुए की फड़ बैठाए जाने की जानकारी शुरू से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को रही थी। लगातार यहां पर इस क्षेत्र में छापामार कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाती रही, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान भिलाई 3 पुलिस को आज तक किसी तरह की सूचना नहीं दी गई। इससे साफ स्पष्ट होता है कि भिलाई 3 पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं जुआरियों के जो सरगना उसको कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस तरह की जो कार्रवाई कल की जो सामने आई है, जिसमें पुलिस द्वारा 10 लाख से अधिक कुछ रुपये को जब्त करने की बात आई जा रही है, हमारे सूत्रों से हमें पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है कि इस फड़ में भिलाई के अलावा दुर्ग, बेमित्रा, आसपास के बड़े जुआड़ी जो तथाकथित व्यवसायी भी हैं शहर के नामी गिरामी, इस घटनास्थल में जुआ खेलते हुए मौजूद थे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के कुछ मिनट कहा जाए इसके पूर्व इन्हें किसी तरह की सूचना मिली और ये मौके से फरार हो गए। अब यह तो जांच का विषय कि इन्हें किस तरह की सूचना मिली और किस तरह से ये फरार हुए, किनके द्वारा इन तक सूचना पहुंचाई गई और पुलिस द्वारा पैसे की जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में जब हमने भिलाई 3 के थाना प्रभारी से चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से जानकारी देने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। बहरहाल इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं पूरी तरह से यह संदेह पुख्ता होता है कि पुलिस द्वारा लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज ये जो कार्रवाई की गई है। अगर शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो इस तरह की फड़ बैठने की सूचनाएं आए दिन लगातार प्राप्त होती आई हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर छोटे मोटे जुआड़ियों को पकड़कर अपनी मात्र खाना पूर्ति करती है। पुलिस कप्तान पीएल मीणा सर जी को से अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के जो जुआ और सट्टे के कारोबार में संलग्न हैं, इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि दूसरों को पनपने का मौका ना मिले। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।